श्री <Sessly> महाप्रज्ञुरु हमारे जीवन के दो पक्ष हैं एक ज्ञान और दूसरा आचरण आदमी जानता बहुत है किंतु दूसरा पक्ष कमजोर है जितना जानता उतना आचरण नहीं करता अगर एक तराजू के पल्ले में ज्ञान को रखा जाए दूसरे में आचरण और क्रिया को रखा जाए तो शायद ये ज्ञान का पल्ला तो इतना भारी है और आचरण का आकाश में उड़ने लग जाए इतनी दूरी है अपेक्षा है इस बात की कि ये दूरी कैसे मिटे और साधना का तात्पर्य कोई समझना चाहे तो वह यही है कि ज्ञान और आचरण की जो दूरी है वह कम हो हम जाने व करें साधना कोई बहुत कठिन नहीं है कन्फ्यूशियस से पूछा एक शिष्य ने बड़े संत हुए हैं बड़े साधक अध्यात्म पुरुष हुए हैं उनसे पूछा कि साधना क्या है उत्तर दिया बहुत सीधा उत्तर कान से सुनो केवल कान से सुनो बस ये साधना इतनी साधना कितनी छोटी बात है कि केवल कान से सुनो साधना का सूत्र इतना छोटा है किंतु केवल कान से सुनो बड़ा कठिन है आदमी सुनता है जो सुनता है कभी तो उसके साथ राग जुड़ा हुआ है और कभी द्वेष जुड़ा हुआ है कभी प्रियता जुड़ी हुई है कभी अप्रियता जुड़ी हुई है केवल सुनना बहुत कठिन है केवल खाना भी बहुत कठिन है केवल खाओ खाते समय केवल खाओ और कोई ध्यान मत दो बड़ा कठिन है पता नहीं खाते समय आदमी कहाँ कहाँ की यात्रा कर लेता है कहाँ पहुँच जाता है कहाँ चला जाता है एक शब्द है केवल हम जाने और करें प्रयोग करें आचार्य तुलसी प्रयोग में बहुत विश्वास करते थे और मैं भी प्रयोग में बहुत विश्वास करता हमने प्रयोग किए हैं केवल कहा नहीं यह ज्ञान और आचार की दूरी को मिटाने के प्रयोग भी किए हैं जब हमने बताया कि अपने संतों को भी बताया साधियों को भी बताया और ध्यान शिविर में भी चला तो खाते समय कोई विचार मत करो और खाने का एक रस है उसका अनुभव करो एक है वस्तु का रस एक खाने का रस प्रयोग किया हमने कि सामान्यतः भोजन की विधि यह है कि आदमी खाता है तो रोटी और साग दोनों के साथ खाता है तुमने प्रयोग किया कि रोटी अलग और व्यंजन अलग साग अलग रोटी अलग खाओ व्यंजन अलग खाओ तो जब ये प्रयोग कराए तो लोगों ने कहा कि चार खाते थे अब तो दो में ही तृप्त हो जाए क्योंकि पूरा चवाना होता है तृप्ति मिल जाती है चार खाते हैं तो गवा गप खा जाते हैं जब साग होता है तो फिर इतना जल्दी खा जाते हैं कि और नीचे उतर जाता है एक छोटी से प्रयोग में एक बड़ा परिवर्तन लग गया कितना परिवर्तन होता है सही मैंने बहुत दिनों तक अनुभव किया कि कितना चबाया जाता है और गेहूं की रोटी खाते हैं मैं कह सकता हूं अपने अनुभव के आधार पर कि गेहूं की रोटी खाने वालों को पता नहीं कि गेहूं में कितनी मिठास है गेहूँ का स्वाद क्या है आप गेहूँ की रोटी खाते हैं तो गेहूँ नहीं खाते या तो चीनी डालकर खाते हैं या नमक डालकर खाते हैं तो आपको स्वाद तो चीनी का स्वाद का पता है या नमक के स्वाद का पता है गेहूँ के स्वाद का पता हो नहीं सकता हम ज्ञान और आचरण की दूरी को कम करें प्रयोग करें और कैसे प्रयोग के द्वारा हम विकास कर सकते हैं सफल हो सकते हैं विकास और सफलता ये जीवन के दो महामंत्र हैं और इनके आधार पर कोई आदमी चलता है तो बहुत आगे बढ़ जाता है एक बार का प्रसंग है कि अमेरिका का प्रसिद्ध उद्योगपति हेनरी फोर्स और फोर्ड के नाम से बहुत लोग जानते हैं पहले तो जो कार पर चढ़ते थे जानते ही थे पुस्तक की दुकान में गया पुस्तक कोई खरीदनी थी और देखते देखते पुस्तक सामने आई हाउ टू ग्रो रिच अच्छी लगी टाइटल बड़ा अच्छा है अच्छा लगा ख़रीदने का मन हुआ तो वे जो बुक सेलर था उसने कहा कि महाशय इस पुस्तक का लेखक भी आज सौभाग्य से यहाँ आया हुआ है हमारी तो दुकान में है उसको देखा तो साधारण फटे हाल था अच्छा नहीं लग रहा था बातचीत की तो पता चला कि काफ़ी गरीबी का जीवन जी रहा है तब हेनरी फोर्ड ने कहा महाशाय मेरा एक सुझाव है कि भविष्य में ऐसी पुस्तक कभी नहीं लिख पुस्तक तो लिख दी हाउ टू ग्रो रिच है स्वयं गरीब बने हुए हो कभी ऐसी पुस्तक मत लिखना बड़ी मर्म की बात है कि हम जाने और उस आचरण में नहीं आए क्रिया में वैसा न हो वह दूरी बनी रहे तो फिर अच्छा नहीं होता धर्म को बहुत लोग जानते हैं जानते बहुत हैं तत्व तो चर्चा में बहुत आग, आगे आ जाते हैं वाद विवाद में भी आ जाते हैं धर्म की चर्चा करते हैं पर तो जहाँ धर्म के आचरण का प्रश्न है वहाँ समस्या बनी रहती है आचरण का पक्ष कमज़ोर रहता है हम आचरण करें जानते हैं कि धर्म का एक सूत्र है संयम त्याग संयम संयम करें संयम का अभ्यास करें शरीर का संयम करें काय संयम वाणी का संयम करें और मन का संयम करे जो व्यक्ति इन तीनों का संयम साध लेता है वास्तव में वही समझ सकता है कि धर्म जीवन के लिए कितना उपयोगी है अन्यथा एक श्रद्धा वस्तु तो धर्म को मानता है किंतु धर्म की वर्तमान जीवन में कितनी उपयोगिता है इस बात को वह नहीं समझ सकता कह भी नहीं सकता कि धर्म हमारे लिए बहुत उपयोगी है किसी से पूछो कि तुम धर्म क्यों करते हो तो उसका उत्तर लगभग यही मिलता है कि अगला जन्म सुधर जाएगा परलोक सुधर जाएगा बस धर्म की बात समाप्त हो जाती है उन्हें चिंता नहीं कि वर्तमान जीवन कैसा है आचार्य तुलसी ने जब अनुव्रत आंदोलन का प्रवर्तन किया तो उसका एक मुख्य आधार रहा कि जीवन में नैतिकता का विकास करो एक बार परलोक की चिंता छोड़ दो अगले जन्म की चिंता छोड़ो क्या होगा वर्तमान जीवन की चिंता करो कि वर्तमान में मैं कैसा बनूं वर्तमान में मुझे क्या लाभ होगा इसकी चिंता करो अगर तुम वर्तमान जीवन को अच्छा बनाते हो तो परलोक सुधारने की अलग से चिंता करने की जरूरत नहीं वह तो अपने आप सुधर जाएगा और वर्तमान जीवन तुम्हारा अच्छा नहीं है तो परलोक सुधारने की चिंता करो तो भी कुछ नहीं होगा हम वर्तमान का मूल्य समझें आचार्य भिक्षु का एक वाक्य जो मेरे लिए पथदर्शक रहा इतना महत्वपूर्ण वाक्य है वह यह है मारवाड़ी भाषा में उनका लिखा हुआ एक वाक्य है कि वर्तमान में हुए तिको इज खरो जो वर्तमान में होता वही वास्तविक है पहले और पीछे होगा पहले क्या हुआ और पीछे क्या हुआ यह इतना मूल्यवान नहीं है मूल्यवान वह है कि वर्तमान में क्या हो रहा है बड़ा कठिन है वर्तमान को समझना और जो वर्तमान को नहीं समझता वह प्रवंचना भी हो जाती है प्रवंचना होती है न्यायालय में केस चल रहा था और किसी ने टक्कर मार दी वाहन की और उसका हाथ थोड़ा जख्मी हो गया इसका केस चल रहा था अब जब न्यायाधीश ने पूछा कि बोलो अब तुम्हारे हाथ की क्या स्थिति है अच्छा है कि नहीं अच्छा नहीं है अच्छा नहीं है अभी तो न्यायाधीश ने कहा कि पहले तुम कितना हाथ ऊंचा कर सकते थे हाथ एकदम ऊंचा कर दिया तुम तो कहते हो कि हाथ अभी ठीक नहीं है बोले साहब मैं करूं क्या डॉक्टर तो कहता है कि हाथ ऊंचा कर सकते हो वकील कहता है कि ऊंचा नहीं कर सकते क्या मैं बड़ी समस्या है जब आदमी ज्ञान और क्रिया में जहाँ दूरी हो जाती है वहाँ समस्याएं ही पैदा होती हैं। हम दूरी को कैसे मिटा सकें हमारे सारे जीवन का एक प्रयत्न होना चाहिए कि ये दूरी कैसे मिटे बहुत आवश्यक है आज विद्यार्थी जो विद्यालय में पढ़ता है वहाँ दो हम विद्यालय के भागों में बांट दें तो एक विद्यार्थी आठ फैकल्टी में पढ़ता है वहाँ तो पढ़ना है बस जानना है किंतु साइंस फैकल्टी में पढ़ता है वहाँ केवल जानना नहीं होता वहाँ प्रैक्टिकल करना होता है कोई साइंस फैकल्टी में डॉक्टर बनना चाहता है और कोई पुस्तक पढ़ ले जीवन भर डॉक्टर नहीं बनेगा जीवन भर अच्छा साइंटिस्ट नहीं बनेगा उसे तो प्रयोग करना होता है मैं मानता हूँ कि यह एक ऐसी शाखा है लौकिक जीवन में कि जहाँ ज्ञान और क्रिया दोनों साथ चलते हैं जानो और करो केवल जान लिया कि घुटने का प्रत्यारोपण किया जा सकता है ऐसा आशादी प्रमुख का हो रहा है कि घुटने का प्रत्यारोपण किया जा सकता है या किडनी का ट्रांसप्लांटेशन किया जा सकता है और भी कुछ किया जा सकता है जानता है जानता तो है पर कभी प्रैक्टिकल नहीं किया तो कितने ही हज़ार पुस्तक पढ़ ले वह कभी भी ऑपरेशन करने में सफल नहीं होगा सफल वह होता है जिसने अभ्यास कर लिया उसकी प्रैक्टिस कर ली वास्तव में प्रायोगिक कर लिया तो एक बड़ा महत्वपूर्ण हमारे सामने रहस्य है कि हम प्रायोगिक करें पता नहीं क्यों कि धर्म को कोरा सिद्धांत मान लिया तत्व मान लिया कोरा चर्चा का विषय मान लिया बस जान लो चर्चा का विषय मान लिया अभ्यास करो तो फिर धर्म का फल मिलेगा भाई बैठे हैं बहनें बैठी है, है सामायिक किए हुए बैठी हैं यह प्रैक्टिकल है यह एक धर्म का प्रायोगिक रूप है सामायिक क वह पचास अड़चास मिनट तक एक इस साधना में बैठता है कि मैं समता में रहूं समता की साधना करूं धर्म का प्रायोगिक रूप है ये लोग सामायिक को मूल्य कम जानते हैं अगर सामायिक का मूल्य जान लें ये तो शारीरिक स्वास्थ्य मानसिक स्वास्थ्य सबके लिए बड़ा अच्छा प्रयोग है एक है, जो व्यक्ति 50 मिनट अड़चास मिनट तक एक समभाव में रह सकता है समता की स्थिति में रह सकता है तो उसके सारी क्रियाएं आंतरिक क्रियाएं बदल जाती है मन बदल जाता है आचार्य तुलसी लाडन में विराज रहे थे और एक श्रावक आए पति पत्नी दोनों पत्नी ने शिकायत की कि महाराज ये सामायिक नहीं करते तो आचार्य आचार्यवर ने कहा कि राजेंद्र जी सामाहिक नहीं करते हो बोला नहीं करता मैं क्योंकि समय भी नहीं है वास्तव में ये थी कि बहुत व्यस्त आदमी है और बड़ी एक कंपनी है उनकी पुस्तकों की जो देश विदेश से पुस्तकों का लेना देना और दिल्ली में प्रसिद्ध है सारी यूनिवर्सिटियों में प्रसिद्ध है टुडे एंड टुमारो जहाँ विशेषतः विश्वविद्यालयों के लिए पुस्तकों का और साइंस की बड़ी बड़ी पुस्तकों का भी विदेशों से मंगा कर विक्रय करते मेरा व्यस्त बहुत हूँ आचार्य ने कहा कि जीवन में व्यस्तता तो चलेगी पर तुम सामायिक करो तो ऐसा लगेगा कि व्यस्तता में तुम्हारी स्वस्थता बढ़ रही है आचार्यवर ने कहा तो बेहद श्रावक है समझदार है उनका मैं अब सामायिक करूँगा एक वर्ष के बाद जब फिर आए तो आचार्यवर ने पूछा कि बोलो सामायिक का नियम चलता है कि नियम क्या चलता है तो सामायिक के बिना रह ही नहीं सकता इतना आनंद आ गया मुझे कि नाश्ता छोड़ सकता हूँ और कम छोड़ सकता हूँ अब मैं सामायिक नहीं छोड़ सकता यह समता की साधना अगर विधिवत जान ले तो शायद बहुत बड़ा प्रयोग है और इस विषय में एक पुस्तक भी है क्या नाम है उसका सामायिक के बारे में पूरी पुस्तक है अगर उसको पढ़ लें और फिर विधिवत करें बहुत अच्छा हो सकता है और सामायिक को विधिवत करने के लिए गुरुदेव ने एक प्रयोग शुरू किया था कि वह अभ्यास हो जाए अभिनव सामायिक यह एक प्रयोग है अभिनव सामायिक अब अभिनव सामायिक का प्रयोग करते हैं उनको अड़चास मिनट ऐसा लगता है कि आठ मिनट ही हुए हैं अभी तो। पता ही नहीं चलता समय का कालातीत अवस्था आ जाती है तो मैं मानता हूँ कि आप भी जो व्यक्ति इसका प्रयोग करता है उसकी स्थिति बदल जाती है और उस स्थिति को बदलने के लिए एक हमेशा ध्यान दें केवल जानना नहीं है जानने के साथ साथ उसका आचरण भी करना है सारम आयारो ज्ञान का सार है आचार हमें आचार करना है उसका आचरण करना है केवल ज्ञान से नहीं होता यह ज्ञान और आचार ज्ञान और क्रिया को लेकर दार्शनिक जगत में बहुत चर्चाएं हुई है कुछ दार्शनिक ज्ञानवादी रहे हैं कुछ दार्शनिक क्रियावादी रहे हैं बता दी कुछ दार्शनिक क्रियावादी रहे हैं किंतु जैन दर्शन ने अनेकांत दृष्टि से दोनों का समन्वय किया कि कोरा ज्ञान भी काम नहीं देगा बड़ी चर्चाएँ हुई है दार्शनिक क्षेत्र में क्या एक आदमी जानता है कि यहाँ से दिल्ली का यह रास्ता है अच्छी तरह जानता है चलेगा नहीं तो दिल्ली नहीं पहुँच पाएगा दूर की बात छोड़ दें सामने थाली परोसी और हाथ नहीं उठाएगा तो मुंह में कौर नहीं जाएगा तो भूख नहीं मिटेगी हमें ज्ञान के साथ क्रिया करनी होती है अगर कोरी क्रिया करी कोरी क्रिया और हमारा ज्ञान न हो तो भी अच्छा नहीं होता कोरी क्रिया करता है जानता नहीं तो वह क्रिया भी आचरण भी अच्छा नहीं हो सकता जानना बहुत जरूरी है और उसके बिना आचरण में भी समस्या पैदा हो जाती है जिसका क्रिया पक्ष कमज़ोर है वह भी अच्छा नहीं ज्ञान पक्ष है वह भी कमज़ोर वह भी अच्छा नहीं अच्छा वह है कि हम ज्ञान और आचार का ज्ञान और क्रिया का समन्वय कर सकें जाने और फिर आचरण करें जाने और आचरण करें तभी वह अच्छा हो सकता है इसलिए आवश्यक है हर व्यक्ति को चाहे वह सामाजिक क्षेत्र में काम करता है चाहे धार्मिक क्षेत्र में काम करता है उसके लिए आवश्यक है कि ज्ञान और क्रिया की ज्ञान और आचार की दूरी है उस दूरी को कम करने का प्रयत्न करें एक साथ तो नहीं हो सकता कि जितना जाना उतना कर लेगा संभव नहीं है पर इस दूरी को कम करने का लक्ष्य बन जाए तो शायद दूरी कम होती है और जीवन बहुत अच्छा हो सकता है इसलिए ज्ञान और आचार की दूरी कैसे कम हो इस विषय का चिंतन निरंतर चलता रहे ओम आर ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः नमः गुरुवे गुरुवे नमः गुर गुर ओम श्री महाप्रज्ञ गुरु